दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आपके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड के सीएम पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अब तक मैंने सिर्फ सुना था कि त्रिवेंद्र जीरो वर्क सीएम है, लेकिन आज जब मदन कौशिक सरकार के मात्र 5 काम गिनाने नहीं आ सके तो इससे यह विश्वास हो गया है कि मुख्यमंत्री ने कोई काम किया ही नहीं है। यही कारण है कि सरकार के प्रवक्ता और वरिष्ठ मंत्री मदन कौशिक यहाँ नहीं आए हैं। लोकतंत्र में चर्चा ही लोकतंत्र को मजबूत कर सकती है। खुलेआम बात करनी चाहिए, पर अभी कितने 11:36 हो गए हैं, इसलिए 35-36 से इंतजार कर रहे हैं। मुझे अब यह डर है कि पिछली बार जो मैं बात कहकर गया था कि साहब, और जो लोग कह रहे हैं उत्तराखंड में कि त्रिवेंद्र रावत जी जीरो वर्क मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, एक्चुअली वही बात साबित होती दिख रही है, क्योंकि काम किए होते तो काम पे चर्चा करने के लिए आते, काम किए ही नहीं पाएंगे। उत्तराखंड के विकास कार्यों पर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक से खुली बहस के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तय समय पर RTDT ऑडिटोरियम पहुंच गए। वे यहां उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक का इंतजार करते रहे, लेकिन वे नहीं पहुंचे। इसके बाद उन्होंने सरकार को आड़े हाथ लिया और फिर डोईवाला ब्लॉक के अंतर्गत जीवन जाला स्थित सरकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए निकल गए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने त्रिवेंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड सरकार से दिल्ली मॉडल के सामने खड़े होने का दम नहीं है। उन्होंने ये तक कह दिया कि भाजपा की नीति ही भागने की है। ये उत्तर प्रदेश में भी भाग गए थे और आज यहाँ भी नहीं आए हैं। बता दें कि मनीष सिसोदिया ने शहरी विकास मंत्री कौशिक को पत्र भेजकर 4 जनवरी को सर्वे चौक स्थित RTDT सभागार में खुली बहस के लिए आमंत्रित किया था। इसके लिए मनीष सिसोदिया रविवार रात दून पहुंचे। यहाँ पहुंचने पर मनीष सिसोदिया ने एक बयान जारी कर कहा कि खुली बहस की चुनौती को लेकर मदन कौशिक ने प्रेस वार्ता कर कहा है कि वह दिल्ली जाकर खुली बहस करेंगे। उन्होंने आप पर राजनीति का मजाक उड़ाने और पर्यटकों की तरह आने जाने का करार दिया है। इस पर कटाक्ष करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि मदन कौशिक ने अपनी सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए प्रेस वार्ता की है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।